इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने चुनाव आयोग से परमिशन मिलने के बाद अभी अभी दो रिजल्ट जारी किए हैं। एक आपके अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 का पेंडिंग रिजल्ट और दूसरा आपके NTT एग्जाम का पेंडिंग रिजल्ट जारी कर दिया है। और अभी पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित हुए थे उनके रिजल्ट कब जारी होंगे इसी वीडियो में के लास्ट में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें और इसी तरह पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अभी मैं बात करूँगा कौन से रिजल्ट जारी हुए, उनकी कट ऑफ कितनी रही है और उसके बाद बात करूँगा आपके पहले चरण के जो 7 एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट और CET के 15 गुना की लिस्ट को लेकर कब तक जारी होगी उसके बारे में चर्चा करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा 1978 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत कृषि विभाग के लिए जो एक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी 2019 में अन्वेषक की, उसके रिजल्ट जारी किए गए थे। इसमें आप देख सकते हो जो कट ऑफ कितनी रही थी, गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की आप देख सकते हो DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ लिस्ट जनरल कैटेगरी में जनरल की रही है 104.8611 और फीमेल की रही है 104.8611, यानी कि जनरल और फीमेल की दोनों की सेम रही है। इसके बाद EWS कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 102.4306 और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 100.6944। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 91.6667 और फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 81.25 रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में बात करें तो ST कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 82.9861 और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी की रही है 71.875। इसके बाद मैं बात करूंगा OBC कैटेगरी की, OBC कैटेगरी में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 103.8194 रही है और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 103.4722। फिर आता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही है वो रही है 31.25, कितनी रही है 31.25। अब मैं बात करूंगा अनुसूचित क्षेत्र की, अभी जो बात की थी वो आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात की है, अब बात करूंगा अनुसूचित क्षेत्र की। तो अनुसूचित क्षेत्र में आप देख सकते हो ST कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 54.5139। तो ये थी आपकी अन्वेषक भर्ती परीक्षा 2019 का जो पेंडिंग रिजल्ट है उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब मैं बात करूंगा NTT भर्ती परीक्षा के पेंडिंग रिजल्ट की कट ऑफ कितनी रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके इस YouTube चैनल पर इसी तरह पल पल की अपडेट प्रूफ के साथ दी जाती है। तो इसमें NTT यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 इसका अतिरिक्त परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है, जिसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा गैर अनुसूचित क्षेत्र की। तो आप देख सकते हो गैर अनुसूचित क्षेत्र में कट ऑफ कितनी रही है, तो आप देखेंगे सबसे पहले ST कैटेगरी की, ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 40.5405, फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 40.5405, यानी कि जनरल और फीमेल दोनों की सेम कट ऑफ रही है। इसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 50.6757 और फीमेल की भी रही है 50.6757, यानी कि जनरल और फीमेल की दोनों की सेम कट ऑफ रही है। इसके बाद बात करूंगा अनुसूचित क्षेत्र की, तो आप देख सकते हो अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ रही है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी में जनरल की जो कट ऑफ रही है वो 40.5405 रही है और जनरल कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ रही है 40.5405, यानी कि जनरल कैटेगरी में जनरल और फीमेल दोनों की सेम कट ऑफ रही थी। तो ये आज दो पेंडिंग रिजल्ट जारी किए हैं, इसी तरह रीट के भी पेंडिंग रिजल्ट जारी होंगे। अब मैं बात करूंगा बाकी के रिजल्ट की चर्चा। तो जैसा कि आपको मालूम है चुनाव आयोग से जैसे ही परमिशन मिली थी तब अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्विटर अकाउंट पर स्पष्ट रूप से बता दिया था
कि हमें चुनाव आयोग से परमिशन मिल चुकी है, अब हम आपके सभी रिजल्ट क्रमवाइज जारी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जो रिवाइज पेंडिंग रिजल्ट रह गया, जैसे कि आज आपने देखा होगा एनटीटी का एग्जाम का रिजल्ट जारी किया, अन्वेषक भर्ती परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी किया, इसी तरह रीट के कुछ सब्जेक्ट के पेपर के रिजल्ट बाकी है वो भी जारी होंगे, वनपाल का भी हो सकता है, और इससे पहले वनरक्षक का भी इन्होंने जारी कर चुके हैं, और इसके बाद ये जारी करेंगे सीईटी के 15 गुना की लिस्ट। जैसा कि आपको मालूम है अभी फरवरी में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 10 फॉर्म फिल करवाए गए थे, इसमें से 5 फॉर्म ऐसे जो कि सीईटी के अंडर है, कोई सीईटी ग्रेजुएशन में है तो कोई सीईटी 12th लेवल, जिसमें सबसे बड़ा एलडीसी वाला एग्जाम है जो कि सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत आता है। तो अब इनके भी सीईटी की 15 गुना की भी लिस्ट उसी क्रम में ये जारी करेंगे जिस क्रम में एग्जाम आयोजित होंगे, ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के सचिव ने कल ही ट्विटर के माध्यम से बताया था कि हम सीटी की 15 गुना की लिस्ट उसी क्रम में जारी करेंगे जिस क्रम में आपके एग्जाम आयोजित होंगे। यानी कि पांचों में देखा जाए तो चौथे नंबर पर एलडीसी का नंबर आएगा, क्योंकि 11 अगस्त को चौथे नंबर पर एलडीसी का है वो पेपर होगा, तो जो सबसे पहले पेपर होगा उनका सीटी की 15 गुना की लिस्ट सबसे पहले जारी होगी। और बाकी बच्चे अभी पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित हुए थे उनके रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले भी बताया था कि 7 जून से लेकर 20 जून तक ये प्रयास करेंगे कि पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित हुए थे उनके रिजल्ट जारी करने के, और वो भी रिजल्ट उसी क्रम में जारी होंगे जिस क्रम में एग्जाम आयोजित हुआ। यानी कि सबसे पहले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 21 जनवरी को आयोजित हुई थी तो उसका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद आपके 3 फरवरी को जीएनएम मॉर्निंग में और इवनिंग शिफ्ट में एएनएम आयोजित हुआ था तो उसका रिजल्ट जारी होगा, फिर 4 फरवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम आयोजित हुआ था कृषि पर्यवेक्षक तो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम आयोजित हुआ था तो उसका रिजल्ट आएगा, फिर 3 मार्च को आपके संगणक और सीएचओ परीक्षा आयोजित हुई थी तो उसका रिजल्ट आएगा। यानी कि सबसे लास्ट में आपके सीएचओ एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा और सबसे पहले सूचना सहायक का रिजल्ट जारी होगा। सूचना सहायक में पहले जो पदों की वृद्धि का है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली वेबसाइट पर, ये नोटिफिकेशन भी आपके जून के 1st वीक तक जारी होगा और उसके बाद ही सूचना सहायक का रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। पदों में वृद्धि होगी, उसके बाद जैसे ही पदों में वृद्धि होगी तो फिर टाइपिंग टेस्ट में भी स्टूडेंट की संख्या अब की तुलना में बढ़ जाएगी। यानी कि पहले अगर ये 8,000 को ले रहे थे तो अब ये शायद हो सकते हैं 9,500 के करीब ले, क्योंकि जैसे ही पदों में वृद्धि होगी तो इन्होंने पहले ही बताया था टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, और 3 गुना से जैसे वृद्धि होगी तो वहाँ पर भी ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट कब होगी तो टाइपिंग टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, टाइपिंग टेस्ट आपके अगस्त के 3rd या 4th वीक में देखने को मिलेगी, ये सूचना भी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले भी बता दिया था अपने ट्विटर अकाउंट पर कि टाइपिंग टेस्ट आपको एग्जाम रिजल्ट जारी होने के बाद 45 से 60 दिन का मौका दिया जाएगा, और रिजल्ट इन्होंने बता दिया कि 20 जून से पहले पहले हम सब जारी कर देंगे और उस हिसाब से आपके अगस्त के 3rd या 4th वीक में टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपने पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें से आपने कौन सा एग्जाम दिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसमें आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं, और जैसे ही एक एक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे मैं आपको उनकी कट ऑफ के बारे में चर्चा, उनके मार्क्स में कौन सा फॉर्मूला यूज़ लिया गया, उस फॉर्मूले को कैसे यूज़ लेना है उसके बारे में चर्चा, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, टोटल कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और किन किन अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी रोका गया है, क्योंकि इस बार आपको मालूम है 5 ऑप्शन भी था और जिन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा रिजल्ट अरे ओएमआर सीट में खाली छोड़ा है तो उनके भी रिजल्ट रोक दिया जाएगा, ऐसा पहले भी लिखा जा चुका है और ये पीडीएफ में भी शो हो जाएगा कि इन इन रोल नंबर वालों स्टूडेंट का रिजल्ट भी रोका गया है क्योंकि उन्होंने 10% से ज़्यादा खाली छोड़े। तो ये थी आज की अपडेट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पल पल की अपडेट जाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।